नेता महेंद्र पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और इसी सिलसिले में हमारे सहयोगी रविंद्र ने उनके साथ खास बातचीत की है, सुनिए। भारत सरकार के केंद्र मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके महेंद्र पांडे जी हैं। पांडे जी, दूसरा चरण का मतदान चालू होने वाला है। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि आजम खान होते तो तस्वीर दूसरी होती। उन्होंने ऐसी ही तस्वीरें, उनको पसंद आती हैं, उनके पिता को भी पसंद आती थी और उन्हें भी पसंद आती है। पूरी उनकी चुनाव के अंदर प्रत्याशियों की लिस्ट इस बात को बताती है, उनके सहयोगी दल भी। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में विश्वास नहीं करता, इसी तरह के प्रत्याशियों को ला रहे हैं, लेकिन जनता लोकतंत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है और सुशासन, विकास और सेवा, बेहतर कानून व्यवस्था योगी राज को देख चुकी है, देख रही है, वो जनता भाजपा के साथ है। महेंद्र जी, अंतिम सवाल है कि आप पूर्वांचल से आते हैं, एक बड़ा चैलेंज है कि जिन लोगों का टिकट कटा है लगातार वो नॉमिनेशन भी कर रहे हैं, निर्दल में आए, क्या आखिर क्या फार्मूला है? अभी तक उनसे बात हो पाई नहीं हो पाई? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विशाल राजनीतिक परिवार है और सभी लोग पार्टी के प्रति समर्पित भावना से जुट के काम कर रहे हैं। इक्का दुक्का चीजें कहीं सुनाई पड़ी होगी, उसके भी समाधान हो जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र पांडे जी थे। उन्होंने कहा आजम वाले सवाल पे तो जैसे उनके पिताजी सोचते हैं ऐसे अखिलेश यादव सोचते हैं, और बागियों के सवाल पे उन्होंने कहा कि सबको मैनेज अंत तक किया जाएगा। सहयोगी सूरज के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। प्रदेश के प्रदेश